और आरएसएस पूरे देश में अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर काफी दिनों से तैयारी कर रहा है। अब वह घड़ी आ गई है जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बाकी रह गई है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक प्रमुख सुनील आंबेकर से हमारे स्टेट हेड विजय त्रिपाठी ने बात की, हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है कि पूरे देश से, भारत से लोग यहाँ आ गए हैं, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, आरएसएस ने जो भी काम किया था वो अब पूरा होता दिख रहा है? नहीं, काम तो पूरे देश के सब लोगों ने किया, ये पूरे देश का ही 500 वर्षों का संघर्ष था और इस सारे कार्यक्रम के लिए भी सब लोग लगे हुए हैं, देश भर में सब लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक आनंद है क्योंकि संघ के स्वयंसेवक भी इसमें जुड़े हुए थे, तो सबको ही आनंद है, हर्ष है, पूरा देश ही उत्साह में है। संघ ने जो पूरे देश में राममय की अलख जगाई है, तो क्या लगता है संदेश पूरे देश में चला गया है, पूरा देश अब तैयार है राम मंदिर के लिए? राम जी की अलख तो देश में थी पहले से और संघर्ष भी बहुत पुराना था। निश्चित रूप से सारे संतों ने उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरा देश राममय हुआ है, ये तो सच्चाई बात है। सर, एक 24 घंटे केवल बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्या आरएसएस ने कुछ ऐसी योजना बनाई है जिसमें सभी को एक तरीके से देखा जाए कि उनको वहां तक पहुंचा दिया जाए, सबके दर्शन? सारी योजना तीर्थक्षेत्र न्यास ने की है और तीर्थक्षेत्र न्यास ने, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि उन्होंने सभी प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया हुआ है। तो अब कोई काम बचा नहीं है, और मुझे लगता है कार्य तो सब अपनी गति से चल रहा है जितना मैं समझ रहा हूँ। धन्यवाद। ये थे सुनील आंबेकर जी, जिनका साफ कहना है कि आरएसएस और ट्रस्ट दोनों ने मिलकर जो ही योजनाएं बनाई थी अब वो धीरे धीरे पूरी होती दिख रही हैं। अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और अब ये कार्रवाई जल्द ही पूरी हो जाएगी और आरएसएस अब पूरे देश भर में राम मंदिर की अलख एक बार फिर से नए तरीके से जगाएगा। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़।